विकास भैया आ रहा है जो कि है आसाम से भाई। ये तो रेस के मूड में है भाई। ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, ऐसा ऐसा दिक्कत आ जाता है। 3:26 तो सारे ब्रो, दिस इज लिटरली फक। ओबे 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 ओबे, ये भाई थोड़ा सा तो निकलने का। मैं बहन ऐसा करके चलने का कोई जरूरत है क्या यहाँ? तो फाइनली फंसते फंसाते इंजन को गर्म करते करते पहुंच चुके हेयर सवर देव भैया। हेयर सवर सौरभ भैया। So hello guys, welcome back to the channel and welcome back to the another vlog. So guys, आज finally अपना पूरा बाइक को मॉडिफाई करने के बाद एक राइड होने जा रहा है। आज मैं जाने वाला हूँ guys सिलीगुड़ी, वहाँ पे कुछ राइडर्स आने वाले हैं, कुछ यूट्यूबर्स आने वाले हैं। That's why guys वो जगह पे आज जाएंगे एंड मस्त मस्ती करेंगे, कल रिटर्न करेंगे यार। एंड अभी तक मेरे को पता चल रहा है कि विकास भैया आ रहा है जो कि है आसाम से। सो मिलेंगे जाके यार। एंड सौरभ भैया लोग, कृष्णा भैया, देव भैया सभी लोग चले गए हैं कल ही। एंड सौरभ भैया तो उसके पहले दिन ही चले गए थे, तो वो तब से मेरे को कॉल कर रहा है भाई आ सभी को तो जल्दी जल्दी आओ। सो मैं भी सोचा हूँ भाई चलते यार, मिल के आते हैं सभी से एंड थोड़ा सा यार टाइम भी स्पेंड कर लेंगे सभी लोग यार मिल के, थोड़ा सा गेड़ी मारेंगे। सो फाइनली पीछे देख पा रहे हो बाइक, यहाँ पे मैंने स्टिकर लगवा दिया है। तो नंबर प्लेट क्यों लगाया फिर से गाइस? क्योंकि अभी सिलीगुड़ी जा रहा हूँ ना, तो नंबर प्लेट मैंडेटरी है, वरना चालान काट देने से भाई सीन खराब हो जाएगा। एंड आज जो चमक रहा है ना भाई, खतरनाक। कैसा लगा मॉडिफिकेशन वो सब भी आप लोग कमेंट करके प्लीज बता देना। अभी मैं पेट्रोल पंप पे था भाई, इतना ज्यादा गर्मी है ना, राइडिंग जैकेट पहन के तो भाई पूरा अंदर रोस्ट हो रहा है सब कुछ। सो चलिए फिर अभी सीधा मिलते हैं आप लोगों से मोटो व्लॉगिंग सेटअप पे। इंटर होने वाला हूँ मैं धूपगुड़ी में, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि रियर ब्रेक का क्या फंडा है। कुछ छोटा मोटा इशू हो तो जल्दी जल्दी यार फिक्स हो जाएगा। दादा ब्रेक धरते से ना पीछे नट्टा। लगते से ना क्या टाइम हो रहा है? 2:15 एंड सौरभ भैया बोला था 2 बजे के अंदर पहुंच जाना। ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, ऐसा ऐसा दिक्कत आ जाता है, क्या कर सकते हैं इसमें। एंड बिना ब्रेक के तो जा ही नहीं सकता मैं, स्पीड अप करके जाऊँगा यार ब्रेक नहीं पकड़ पाऊँगा, सीधा ख़त्म। ऐसा नहीं बोलते तो यहाँ पे एक मच्छर मर गया ऑलरेडी। अब फटाफट भाई को देखने देते यार, थोड़ा सा घिसवा देते, तो वेट करते अभी। A few moments later. Finally guys, नया वाला ही लगवा दिया मैं। क्या क्या हो रहा है? तो वैसे पैसा का कमी है गाइस, और ऊपर से ये सब। दिस इज द एशियन हाईवे, जहाँ पे नीचे से जाता है ट्रेन, ऊपर से जाता है गाड़ी। एंड दिस इज कॉल्ड ओवर ब्रिज। इतने बड़े बड़े गड्ढे देख पा रहे हो ये? बाप रे बाप भाई दैया। ब्रो दिस इज लिटरली फक। फाइनली मिल चुका है 4-lane हाईवे भाई, थोड़ा सा तो निकलने का। अबे बहन, जलपाईगुड़ी यहाँ से है 18 किलोमीटर और सिलीगुड़ी 58, ऑलमोस्ट एक घंटा तो मेरे को लग ही जाएगा पहुँचने के लिए। और अभी समय हो रहा है 2:44, इसका मतलब लगभग 4 बजे तक मैं यार सिलीगुड़ी पहुँच जाऊँगा। गाइस फाइनली फ्लाईओवर इज कम्प्लीटेड। यहाँ पे इतना भुगतना पड़ता था, और पहले ना इधर से नीचे जाना पड़ता था, अभी कोई जरूरत ही नहीं है, पूरा खाली खाली वाला रोड। बहुत देर से भाई, इतना ज़्यादा रश मेरा दिमाग खड़ा हो चुका था मेरा। आज पहली बार मैं इधर से जा रहा हूँ फ्लाईओवर से, एंड क्या मज़ा ही आ गया गाइस। ओबे गाइस यार, ऐसा ऐसा करके चलने का कोई ज़रूरत है क्या यहाँ पे? सीधा रास्ता खाली है, सीधा चलो ना। सांप की तरह इधर से आता है, ऐसा घुसा देता है, फिर ऐसा जाता है, फिर ये देखो भैया मेरे को हरा के चला गया। लेकिन आपका वो डिक्की का क्या बोलेगा, उसको चाबी लगाना आपने भूल गया है। ये 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 सीधा रोड खाली मिलता है, उसके बावजूद गाइस लेन चेंज कर रहा है, बस भी ऐसा ही कर रहा है, ट्रक भी ऐसा ही कर रहा है भाई। ये तो रेस के मूड में है भाई। आपका ढक्कन ही उड़ जाएगा। मेरे को रेस नहीं करना है भाई, मेरे को जल्दी है, इसी वजह से मैं स्पीड अप करके चला रहा हूँ, वरना मेरा कोई ज़रूरत नहीं है भाई मैं ऐसा स्पीड में क्रूज करके जाऊँ। और गाइस आज ना वेदर भी यार थोड़ा सा मतलब साथ दे दिया राइड करते वक्त, उतना भी ज़्यादा धूप नहीं मिला, हीट है भाई, नो डाउट हीट है, लेकिन धूप बहुत कम मिला है।
भैया इस वाटर ब्रेक के लिए रुका था और इतना ज्यादा गाड़ी आ रहा था ना, गाड़ी की वजह से मैं थोड़ा सा चुप गया है। और पीछे गाड़ी आ रहा है भाई, इतना ज्यादा साउंड आ रहा है, बहुत ज्यादा थक गया मैं भाई। भाई पानी पीते थोड़ा सा हाइड्रेट होते एंड देन यार फिर से चलेंगे भाई टू सिलीगुड़ी। एंड तो लेट तो बहुत ज्यादा हो चुका है, अभी बज रहा है 3:26, तो सारे बस 2 मिनट का स्टॉप लिया और अभी फिर से निकलते गाइस। अभी तक 20 किलोमीटर है पहुंचने को। ये लोग रॉन्ग साइड क्यों आता है यार, दो टुक टुक आ रहा है रॉन्ग साइड से, इनकी भी कोई मजबूरी होगी। फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ यार फुलबारी में और पीछे देख पा रहा हूँ इतना ज़्यादा गाड़ी चल रहा है ना आज भाई, इसी वजह से स्पीड अप भी नहीं कर पा रहा था और बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मेरे को पहुंचने के लिए। थोड़ी देर पहले जो वाटर ब्रेक दिया था उससे बस 3-4 किलोमीटर आ गया, फिर से रोका हूँ मैं क्योंकि गाइस अभी ये लोकेशन मांग रहा हूँ भैया लोगों से एंड वो लोग अभी लोकेशन भेजेगा। देन यार लोकेशन देख के मैं चला जाऊँगा यार सीधा होटल में भाई, इतना ज़्यादा थकान ना एंड पीठ पे जो बैग है वो उसके वजह से भाई बहुत ज़्यादा भारी लग रहा है मेरे को अभी। स्पेशली आरसी में तो प्रॉब्लम होता है ये, एक तो झुक के चलाओ, ऊपर से यार पीठ में थोड़ा सा भी अगर वजन रहेगा ना वो उसको ऐसा लगता है कि पीठ में बहुत बड़ा कुछ रख दिया है, इसी वजह से यार कंधा में भी गर्दन में भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है। सो बंजी नहीं था मेरे पास, बंजी था लेकिन वो मेरे को सेट करना आता नहीं इसमें, क्योंकि कैसे ही करोगे इस जगह में सेट, इसमें प्रॉब्लम हर जगह में प्रॉब्लम। सो अभी लोकेशन आ रहा है, लोकेशन देख के चलते यार सीधा। चलो गाइस अभी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम का काम लोकेशन ढूंढना, यहाँ से दिखा रहा है 5.7 किलोमीटर्स, लेकिन गाइस गूगल मैप जब सामने चला जाता है ना लोकेशन का मतलब मेन डेस्टिनेशन का, तभी धोखा दे देता है यार। एक गलत रास्ता लेने से ना इतना लंबा घुमाता है, मेरे को जाना पड़ेगा टुवर्ड्स जंक्शन। बाप रे बाप, कहाँ पे रुकना पड़ता है भाई, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है, भूल गया सिग्नल, सिलीगुड़ी का सिग्नल ना समझ में नहीं आता। लेन थोड़ा सा चेंज हो गया, मेरा लेट हो गया है ना, अभी सीधा दूसरा लोकेशन पे पहले जाएगा क्योंकि और नहीं तो टाइम नहीं रहेगा शाम को निकलने के लिए। भैया लोग निकल गए ऑलरेडी, तो होटल बाद में ही आएंगे हम लोग, अभी सीधा चलते गाइस। और सिलीगुड़ी में ना मेरा ये फर्स्ट टाइम है जो मैं बाइक लेके आ रहा हूँ, तो इसी वजह से थोड़ा नर्वस भी लग रहा है, बेबी के लिए भी फर्स्ट टाइम है और अपन के लिए भी फर्स्ट टाइम है। क्या जाम है रे बाबा, और रोड के उल्टा साइड रैली भी चल रहा है। फंसते फंसाते इंजन को गर्म करते करते पहुंच चुके हैं हर्षवर देव भैया। तो गाइस फाइनली भैया लोगों से मिल लिया है, अभी चलते हैं एंड आगे जाके मिलवाता हूँ। रॉबर्ट हमारे पीछे पीछे आ रहा है, ये देखो रॉबर्ट, रॉबर्ट गाड़ी को यहाँ पे पार्क कर लिया है बंधन बैंक के सामने और अभी शायद घूमेंगे हम लोग भी चार चक्के में गाइस, चार चक्के में यू हेयर इज और सौरभ भैया, हेलो हेलो एंड राज भैया इधर, चलो अंदर चलते हैं। जैकेट मार देगा नहीं, इतना गर्मी है रे। हो
हो चुका है शाम, टाइम बज रहा है 6:02 और गाड़ी में गेड़ी मारते मारते थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक्स वोल्ड ड्रिंक्स पीते पीते फाइनली फिर से बाइक में आ चुका हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं यार होटल पे। ओह, विदाउट नंबर प्लेट, ईवी चला रहा है बच्चे विदाउट नंबर प्लेट, नंबर प्लेट की जगह नाम लिख के रखा है बंदा। सो गाइस यार विकास भैया तो अभी तक नहीं पहुंच पाए, मेरे को ये वाला ब्लॉग अभी एंड कर देना पड़ेगा क्योंकि बहुत लंबा हो चुका है। एंड फर्स्ट राइट मेरा यार सिलीगुड़ी पे, पहली बार मैं सिलीगुड़ी पे बाइक लेके आया हूँ। वैसे तो यार बहुत बार सिलीगुड़ी के आसपास से गुजरा हूँ लेकिन सिटी में पहली बार मैं बाइक चला रहा हूँ यार। तो होप आप लोगों को अच्छा लगा ये वाला ब्लॉग, अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं आप लोगों से यही ब्लॉग का नेक्स्ट पार्ट पे। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।